दीपेंद्र जी, नगर निगम चुनाव के चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है समय भी और हो गया, होना भी चाहिए, लेकिन बीजेपी अपने सिंबल पे लड़ाएगी, क्या कांग्रेस सिंबल पे? हम सिंबल पे लड़ाएंगे, ये आप हमारी खबर जरूर पहुंचाना, जो है ये खबर जरूर चलाना, ये खबर कट जाए हमारी। हम नगर निगम का चुनाव, फरीदाबाद निगम का चुनाव और बाकी गुड़गांव निगम का चुनाव, मेयर का भी और सारे वार्ड्स का भी कांग्रेस पार्टी चुनाव सिंबल पे लड़ेगी। हमारी खबर आप समा के आए जिन्होंने फरीदाबाद में प्रदेश और देश का नाम रोशन किया, मैं चाहूंगा उन बच्चों को जो प्रथम बुला के हमारे माननीय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी उनको सम्मानित करें। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले निमंत्रण दूंगा आरती भड़ाना जी को, पाली राम से हैं इनके साथ, उज्बेकिस्तान में फिफ्थ एशियन एथलीट हुए थे और ये हमारी बिटिया ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है 5000 मीटर के अंदर। हम सब उस बिटिया का बहुत स्वागत करते हैं और उस बिटिया ने हम सबका नाम रोशन किया। मैं चाहूंगा कि आरती भड़ाना बिटिया को लेके आया गया, यहाँ पर दुकान के साथ ही आए थे पूछा। एक बार सामने देख लिए, सामने देख लिए, सामने की तरफ बोलिए, सामने फ्रंट पे जाएंगे। यस इट्स माय नो प्रॉब्लम, ओके गुड। और हमारी बेटी डोली बढ़ाना, मैं उनसे भी कहूंगा कि बेटी आए आगे डोली बढ़ाना, बेटी हमारी मोहताबाद धाम से है। इधर देखिए, और एक अमीशा हमारे रणजीत प्लेयर हैं ध्रुव प्राशा जी, वो बहुत फैन हैं आपके, बाहर मिले भी थे आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सांसद महोदय ने हमारे बच्चों की मदद की, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं बच्चों से बात कर रहा था और उन बच्चों ने बताया कि हम कहीं जाते हैं टूर्नामेंट पे, सरकार भी मदद नहीं कर सकती, टीम पंडित जी की तरफ से जो ये हमारे तीनों बच्चे मेडल लेके आए हैं, ये हिंदुस्तान में कहीं भी खेलने जाएंगे, इनकी आने जाने की टिकट का खर्चा साल में एक बार टीम पंडित जी बहन करेगी, जब तक ये अपने मेडल लेके आते रहे इसी तरीके से और हमारा नाम रोशन करते रहे। नीरज शर्मा जी NIT से, जो आज के हमारे कार्यक्रम में मेहमान भी है, हमारी कुर्सी बहन चादर राठौर जी, हमारे भाई और फरीदाबाद जिला के भारत जोड़ो यात्रा के हमारे चेयरमैन, हमारे भाई विजय प्रताप जी, भाई मखन सिन्हा जी, सुमित जी, हमारे विधायक आदरणीय चौधरी रणवीर सिंह चरतिया जी, हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन सुरक्षित साहब, हमारे अतीत से प्रत्याशी रहे हमारे जगत डागर जी, भारद्वाज जी, रिंकू जी, गिरता जी और हमारे भाई रोहित जी, हमारे 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 युवा कांग्रेस के हमारे जिलाध्यक्षिए आवाज मतलब थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा जोर से बोल दीजिए आगे हो जाओ, माइक ठीक हो जाए तो कॉर्डलेस वाला दे दो तो ठीक हो जाए। हमारे कॉर्डलेस वाले फरीदाबाद के युवा कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष अभिलाष नागर जी, ललित कागर जी का भी ऑपरेशन हुआ है, आज अभिलाष जी, मैं किशन अत्री जी, हमारे अभिलाष जी की चौहान जी, हेम नागर जी, सभी सबके नाम आपको आप तक पहुँचवा पहुँचाएंगे, और सत्ता में किसी के नाम लेने में अच्छा हो सकता है, किसी का नाम लेने में थोड़े तो गए तो बेस्ट वर्क में सबके नाम आप तक पहुँचाएंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये वैसे तो बहुत से विषय हैं,
जिन विषय पे आपसे हमारा संवाद हो जाएगा आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीती है, उसकी भी हम बहुत बधाई देते हैं। कर्नाटक बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को जिताने का वहां काम। अब हरियाणा पे हम आते हैं, हरियाणा में भी जहां तक प्रदेश की बात है, जब जन संवाद चल रहा है मुख्यमंत्री जी का, वो जन संवाद है कि जन अपमान है, वो भी आप से जब बातचीत करेंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे तो हम सारी बात रखेंगे आपके। मैं फरीदाबाद की जो बात, जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य विषय, आपको पता है कि भाई फरीदाबाद निगम के चुनाव डेढ़ साल के लगभग हो गया, चुनाव ड्यू है, लेकिन सरकार बीजेपी की सरकार अपनी निगम में पक्की हार को देखकर चुनाव से भागी। ये फरीदाबाद वासियों का लोकतांत्रिक अधिकार है कि निगम में अपने प्रतिनिधियों को चुने, पार्षद बनाए, मेयर बनाए और शहर की व्यवस्था ठीक हो, उसके लिए प्रजातांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें। सरकार ने फरीदाबाद को 9 साल में कुछ दिया नहीं, कम से कम चुनाव का प्रजातांत्रिक अधिकार तो समय पे दे सकती थी। कोई विकास का कोई कार्य को बड़ा फरीदाबाद में सरकार नहीं बता सकती इन 9.5 साल में, कम से कम चुनाव का अधिकार तो देना चाहिए, लेकिन चुनाव से भागती हुई बीजेपी की सरकार नजर आ रही है। आज ये फरीदाबाद नगर निगम ने जो स्थिति फरीदाबाद में दिखाई दे रही है आपको, हमको, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, खुली हुई हैं, जहां काम शुरू अधूरा पड़ा है, सीवरेज व्यवस्था का क्या हाल है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, पीने के पानी की सप्लाई की क्या स्थिति है वो मेरे को बताने की आपको आवश्यकता नहीं, सफाई की क्या स्थिति है फरीदाबाद के अंदर वो आपको दिख रही है, पार्क की क्या स्थिति है वो आपको नजर आ रही है, और निगम भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया पूरे प्रदेश में, बदनामी हुई फरीदाबाद की निगम की, वो मुझे आपको बताने की जरूरत है। यहां तक कि 200 करोड़ का घोटाला जिस रूप से सामने आया, हमारे विधायक नीरज शर्मा जी ने भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पूरे प्रदेश का ध्यान आकर्षित करने के लिए, रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी जाती है, वो आपके सामने इतने खुले में भ्रष्टाचार और जितने ठेके सफाई से लेकर बड़े बड़े मैन पावर तक जो ठेके दिए जा रहे हैं, विकास कार्यों के ठेके दिए जा रहे हैं, किस रूप से बीजेपी के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि उनमें खुले रूप से भ्रष्टाचार को अंजाम देके फरीदाबाद निगम को भ्रष्टाचार का केंद्र के रूप में परिवर्तित करने का काम किया, वो आपके सामने। सुलभ घोटाला, सुलभ शौचालय में घोटाला, वो आपके सामने है। ज्यादातर खुदा हुआ शहर, सड़कों की खस्ता हालात, सड़कों की खस्ता हालत, वो आपके आगे। हमारी सरकार में, अरे मैं कह रहा हूँ आपको याद होगा, 42 चौक सड़क को डबल किया गया था, लेकिन आज 9 साल के बाद भी 42 से बाटा रोड अधूरी है, स्टेडियम अधूरा है, 26 गांव को निगम में जोड़ा गया, लेकिन वहां पे उन गांव में कोई विकास कार्य नहीं, कोई सफाई की कोई सफाई के लिए कोई काम हुआ नहीं, और जो निगम में 1500 करोड़ का घाटा दिखाया जा रहा है,
कहीं ना कहीं ऐसा वो सारे ग्रामीणों के मन में ये प्रश्न चिन्ह है कि केवल जो उनके गांव की जो एफडीज थी वो हजारों करोड़ रुपए कहीं सरकार की उन पर नजर हो, निगम में भ्रष्टाचारियों की उन पर नजर नजर हो, क्या इसलिए मिलाया गया जो काम कुछ उनका हुआ नहीं? कोई भर्ती पैरा बढ़ गया लेकिन नहीं भर्ती नहीं है, स्टाफ की सफाई कर्मियों की बात हो या और कोई स्टाफ की बात हो, एक बारिश में फरीदाबाद की निगम की सारी आज तक की कार्य विफलता सामने आ जाती है। बारिश से लेकर ट्रैफिक तक 500 से कम पुलिसकर्मी ट्रैफिक के, आज फरीदाबाद जबकि इतना बड़ा महा नगर निगम, इतनी बड़ी आबादी, स्मार्ट सिटी, और स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या हुआ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, वो एक अपने आप में। तो ना तो ट्रैफिक कर्मी जितने होने चाहिए ट्रैफिक कर्मी है, बल्लभगढ़ से पाली जो अभी जो सड़क है वो आधुनिक सड़क पूरा हाल उसका है, मुझे वो भी बताने की आपको आवश्यकता है। रेलीवल योजना ये हमारे समय की योजना थी, हमारे समय शुरू हुई थी, आज तक सुचारू ढंग से 9.5 साल के बाद सरकार इस योजना को आगे बढ़ा नहीं पाई। मेट्रो जहां तक हम बल्लभगढ़ तक मेट्रो का आखिरी पिलर मंजूर कराए गए तो मेट्रो उदाहरण है इस बात का कि इस खतर सरकार ने प्रदेश को, फरीदाबाद को और प्रदेश को विकास की पटरी से कैसे उतारा। 2010 में भारत सरकार ने फैसला किया कि दिल्ली से बाहर मेट्रो जा सकती है। 2010 से 14 तक कांग्रेस सरकार में 41 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा की मंजूर होकर और उसका बजट और काम शुरू कराने का काम उस समय कांग्रेस की सरकार ने हुड्डा साहब के नेतृत्व में काम शुरू किया। लेकिन 2014 से लेकर अब तक 9.5 साल में हमने 41 किलोमीटर बनाई है, 41 इंच बना सकते थे, 41 किलोमीटर बनाए, 41 खंभे बनवा सकते, 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा गया उस समय। ये कम से कम एक कोई कस्बा एक शहर कहीं तो आगे मेट्रो किसी कॉलोनी तक पहुंचा सकते थे नया, लेकिन मेट्रो वहीं की वहीं आखिरी तीसरा खंभा था, वो मेट्रो का आखिरी खंभा। तो इतना फरीदाबाद के प्रति, क्योंकि ये मेट्रो तो आगे तक जाने की, मैंने एक सवाल पूछा था इस साल बजट सेशन में, एक सवाल पूछा था संसद में कि भारत सरकार की तरफ से मेट्रो की परियोजना के करीब 50% भारत सरकार देती है, बाकी प्रदेश सरकार देती है, कितना पैसा दिया गया पिछले 5 वर्षों में? उसका जवाब था 39,000 करोड़, और वो पूरा का पूरा पैसा इसमें आरआरटीएस मेरठ तक और ग्रेटर नोएडा, सारा का सारा पैसा भारत सरकार उत्तर प्रदेश में मेट्रो के को आगे लेके जाने के, मेरठ तक पहुंच गई, यहाँ बल्लभगढ़ तक पहुंच गई थी, यहाँ बलवल तक पहुंच सकती थी, लेकिन एक उसमें से एक रुपया भी अब थोड़ा सा हेलो तो ये समय से पहले हम बोल गए शायद, तो एक उसमें मतलब हरियाणा सरकार ने कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा, तो खट्टर सरकार की क्या रुचि रही फरीदाबाद के विकास को लेकर, उसका उदाहरण मेट्रो में भी देखा जा सकता है सारे। तो ये हम इसको कहना चाहते हैं कि बीजेपी का जो निगम था ये फरीदाबाद नगर निगम नहीं, फरीदाबाद नरक निगम के रूप में इसको अगर जाना जाएगा तो कहीं उनको गलत। और जो भ्रष्टाचार का केंद्र जिस रूप से बना निगम वो बीजेपी के भ्रष्टाचार का प्रतीक है। एक बीजेपी ने ये ऐसा लगता है कि बीजेपी की ने एक नारा नया नारा दिया है, उसके बहुत से उदाहरण है प्रदेश में, मगर निगम का उदाहरण, निगम के भ्रष्टाचार का उदाहरण उसमें प्रमुख है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का पोषण और गरीब और आम जनता का शोषण बीजेपी का नया नारा है, और फरीदाबाद निगम इस नारे का प्रतीक है। और इसीलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि लोग का आप कुछ काम नहीं करा पाए, फरीदाबाद को आपने विकास की पटरी से उतार दिया,
तो कम से कम लोकतांत्रिक अधिकार फरीदाबाद के नागरिकों का अपना, ताकि वो कौन ईमानदारी से उनकी सेवा करेगा वार्ड में, कौन ईमानदारी से मेयर में, मेयर के पद पे रह के सेवा करेगा फरीदाबाद की, ये अधिकार उनका बहाल कीजिए। चुनाव, हम चुनाव की मांग करते हैं, इतना लेट हो गया, ये चुनाव कराया जाए जल्दी से जल्दी। कांग्रेस पार्टी अगर ये फरीदाबाद वासियों का लोकतांत्रिक अधिकार अगर सरकार केवल डर के हार के डर से, अगर हार की डर से सरकार यूं भागती रही तो कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर उतरना पड़ेगा चुनाव की मांग को लेकर। और हम सड़क से लेकर विधानसभा और संसद तक, निगम में चुनाव हो, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो शहर को लूट खा गए, उनके खिलाफ लोगों को मतदान करने का अधिकार मिले, ये लोगों की बात और भावना लेकर हम उतरेंगे। आज ये हम आप लोग के माध्यम से हमने मांग करना चाहते हैं सरकार से, और चेतावनी भी देना चाहते हैं सरकार। इसके अलावा जो बाकी जो प्रदेश की राजनीति, मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद चल रहा है, वो चल रहा है, और क्या आपके प्रश्न होंगे दीपेंद्र जी? पहले तो आपसे ही जुड़ा हुआ सवाल है, साझा सीएम दीपेंद्र हुड्डा, तो क्या बड़े हुड्डा साहब क्या रिटायरमेंट हो जाएंगे? ये देखिए, जहां तक मेरा जो है, मैं कभी किसी पद के लिए मैंने अपने जीवन में कोई जो है संघर्ष नहीं किया। आज हम सब का मिलकर एक ही संघर्ष है कि प्रदेश में परिवर्तन हो, प्रदेश में भाजपा की ऐसी नकारा सरकार, जो सरकार आज ये जो प्रदेश विकास में नंबर एक हुआ करता, आज वो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर एक पहुंचा दिया, जो आज फरीदाबाद का मैंने उदाहरण दिया, ऐसा उदाहरण पूरे प्रदेश का। तो आज हरियाणा में परिवर्तन की आवश्यकता है, और परिवर्तन ही हमारा लक्ष्य है। कोई पद या कोई और कुछ बात, बाकी किसी की कोई बात होती है वो एक अलग बात है, लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है, एक ही लक्ष्य है हम सब का, परिवर्तन हरियाणा में हो, और उसी के लिए हम प्रयास करें। भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे थे, लेकिन सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, एक आईएएस को भी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है। जीरो टॉलरेंस सरकार ने अपनाई, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, धन्यवाद करते हैं आपका, आप हमारे पुराने मित्र भी हैं। जीरो टॉलरेंस, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, हमारे विधायक थे आदमपुर से, सरकार की जांच एजेंसियों द्वारा उनकी विदेशों में कई सौ करोड़ की संपत्तियां पकड़ी गई, ब्लैक मनी और पता नहीं कौन से मुकदमे बने हैं, और ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार की जांच एजेंसियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये कांग्रेस के विधायक की इतनी 600 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई, ये ऐसे ऐसे मुकदमे बने। भाजपा के मंत्रियों ने कहा कि इनको त्याग पत्र देना चाहिए, बहरहाल उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया, लेकिन रातों रात भाजपा को ज्वाइन करके जीरो टॉलरेंस, और भाजपा ने उनको टिकट दिया आदमपुर से। नारा था काला धन लाएंगे विदेशों से, सबके खाते में 15 लाख आएंगे, काला धन लाएंगे, नारा बदल गया, काले धन वालों को एजेंसियों का डर दिखा दो, बीजेपी में लाएंगे, ये ना जीरो टॉलरेंस, ये खुल के भ्रष्टाचार थे। 40% की सरकार को करारा झटका कर्नाटक में दिया लोगों ने, मगर कर्नाटक तो मैं समझता हूं कर्नाटक से भी ज्यादा, वहां तो 40% भ्रष्टाचार, यहां तो डबल इंजन का भ्रष्टाचार चल रहा है। बीजेपी का तो 40% जो भ्रष्टाचार कर्नाटक में था, वो तो रेड लिस्ट कहीं कम हो नहीं रही देश में, मगर यहां तो जेजेपी हो, और ये हम नहीं कह रहे, जेजेपी के विधायक दादा गौतम नाम सुना होगा, बयान आया उनका कि एक ऊपर अकेला ही जीवन लग रहा है, डराना है, ये स्थिति बन रही है। तो यहां तो डबल इंजन का भ्रष्टाचार चल रहा है हरियाणा में, तो इतना ऐसी भ्रष्ट सरकार जो कर्नाटक में केवल बीजेपी के भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता ने जो सबक सिखाया है, तो कह सकते हैं कि कर्नाटक में तो लोगों ने अभी ट्रेलर देखा है, उनको पूरी फिल्म जनता हरियाणा में दिखाने का काम करेगी बीजेपी को, ये जीरो टॉलरेंस की कहानी। और ये हम भी जीरो टॉलरेंस का अगर आपको पूछना है तो दादा गौतम से पूछो,
कह रहे कि एक ऊपर अकेला जीम रहा है, जीरो टॉलरेंस से आपने पूछना तो जो है अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा से पूछे। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो कह रहे हैं अमृत योजना, रोहतक की एक पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री का भी नाम ले रहे हैं, खुल के मन से नाम लिया आपने देखा पैरावा गांव में कि वो लगा दे, ये जीरो टॉलरेंस है। तो ये तो लोग बता रहे हैं जीरो टॉलरेंस पूछना है तो आप निगम का पूछो, फरीदाबाद का। हमारे विधायक ने इनको एक क्रूसेडर की एक मैं कहना चाहता हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्रूसेडर के रूप में प्रदेश में इन्होंने अपनी छवि बनाई, लड़ाई लड़ी, मगर आप देखिए इन्होंने क्या किया, जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस तो है कि रिकॉर्ड रूम भी जला दिया जाए वो जीरो टॉलरेंस है।